अरे हाँ तो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? होपफुली सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों आ चुके हैं एक और न्यूज़ सोलोगन करर रैंक पुशिंग वाली वीडियो में। अब जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने भाई थंबनेल देख लिया है कि भाई कौन करर न्यू सीज़न में कितने दिनों में अपन भाई एस पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि भाई अभी न्यू सीज़न 2 ही दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, तो भाई आप लोगों की टेयर और वगैरह वगैरह चीज़ें रीसेट हो जाएगी। तो भाई आप लोगों को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, और कॉन्करर जाने का सबसे बेहतरीन तरीका है भाई स्टार्टिंग में लगाने का, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है स्टार्टिंग में कॉन्करर भाई फटाफट मिल जाता है। ज़्यादा मतलब इतनी मेहनत करने पड़ती है नहीं कॉन्करर के लिए, क्योंकि उस टाइम पे भाई एस पे ही 4 दिन में अगर आप कॉन्करर लगा लेते हो, मतलब भाई एस लगा लेते हो 4 दिन में, तो जो है आप लोग को कॉन्करर देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि भाई 4 दिन के बाद में अगर आप 1 दिन एक्स्ट्रा लगाते हो तो उसके बाद में A*2 पे कॉन्करर मिलता है आपको। तो दोस्तों आप लोगों को जितना हो सके भाई स्टार्टिंग में 4 दिन में कॉन्करर लगाना किस तरीके से है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कि भाई आप लोग अगर दिन का 350+, अगर 300 से 350+ भी कर पाओगे ना डेली का, तो भाई मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोलता हूँ आपका जो कॉन्करर है भाई वो इजीली हो जाएगा 4-5 दिन के अंदर। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। तो ये गेम प्ले रहने वाला है भाई कॉन्करर लॉबी का, और जैसे कि मेरी रैंकिंग अभी चल रही है फिलहाल 1000 के ऊपर चल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे सीन देखो बस, अब यहाँ पे होता है ऐसा है कि भाई बग्गी वाला बंदा मेरे को मारने के लिए आ जाता, और ये और कोई नहीं अपने भाई दिल के करीब अपने प्यारे चीता फाइटी होते। तो ये भाई आए तो थे मुझे भाई पेलने के लिए, और अगर भाई मतलब इतनी चुलती भाई पेलने की कि खुद की पेटी बनाने से बिल्कुल भी नहीं कतरे। अब चीता भाई यहाँ पे खुद का बलिदान देके निकल जाते हैं आगे की तरफ, और मैं भी यहाँ पे सबसे पहले तो भाई ये जो लिफ्ट है इसके इधर चले जाता हूँ मैं, और यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले तो भाई बंधन की लोकेशन को देखता हूँ, और उतने में ही निकलते हैं अपने एक और दिल के प्यारे भाई यहाँ पे। अब दोस्तों ये नाम पढ़ना ज़रा भाई, रिशु आईटी लाइव। अब दोस्तों इस गेम में जो है हमने मैच मैकिंग करके रखी थी, क्योंकि भाई लॉबी बिल्कुल भी अच्छी आ नहीं रही, और इसीलिए जो है मैच मैकिंग करी थी, क्योंकि भाई अगर अच्छे खासे यूट्यूबर्स लॉबी में रहते हैं ना तो भाई अच्छी खासी प्लस भी होता है, और भाई क्योंकि सर्वाइव हर कोई यूट्यूबर करता है लास्ट तक, तो उस चीज़ के चक्कर में जो है हर कोई प्लस लेने के लिए अच्छा खासा खेल रहा है। आप लोग देखना बस मैं एंड के टाइम पर क्या ही प्लस निकालूंगा इस लॉबी में। अब सबसे पहले तो भाई रिशु भाई को बिल्कुल भी बुरा वगैरह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भाई मैं उनकी पेटी लूट लेता हूँ ताकि जो है भाई को ऐसा ना लगे कि पेटी तो बनाई और पेटी लूटी नहीं। तो भाई यहाँ पे भाई की पेटी लूट ली जाती है, और अच्छी खासी कई खतरनाक वेपन्स रहते हैं भाई की पेटी में। तो अपन लेके निकल पड़ते हैं और भी बंदे यहाँ पर ढूंढने के लिए। अब नीचे की साइड देखो यहाँ पर क्या होता है। अब भाई ऐसे कौन लूटता है, मैं यहाँ पे भाई की पेटी बना सकता था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो भाई यहाँ पे आके उछलने लग जाते हैं। हेलो भाई, हेलो हेलो भाई, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था दोस्तों कि ये मेरा सब्सक्राइबर भाई है, क्योंकि भाई मेरी बातचीत वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुई थी भाई से। मैं यहाँ पे पेटी बना देता था लेकिन मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, जाने दो। अब उतने में ही ये भाई कहाँ से आ गए क्या पता ऊपर की साइड में आके, अब मेरे को भाई एकदम 20 HP कर दिया था बंदे ने। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं हीलिंग लगाता हूँ, और वो बंदा इस बंदे को छेड़ता है, और जैसे ही वो बंदा इस बंदे को उजी मारता है यहाँ पे मैं उसका फ़ायदा उठा के किल निकाल लेता हूँ। अब दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल भी मत समझना भाई के टीम अप वगैरह करके खेल रहा हूँ, मैं जो सामने वाला बंदा है मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, और यहाँ पे वो अपने सब्सक्राइबर भाई निकलते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, सबसे पहले तो गाड़ी वगैरह लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ इवेंट के इधर, क्योंकि भाई मेरे को किल्स वगैरह निकालने थे, मेरे स्टार्टिंग में 4 किल हो गए थे, अब किल्स वगैरह और अच्छे निकालने थे, तो मैं यहाँ पे इवेंट के इधर निकलने लगता हूँ। और यहाँ पे भी दोस्तों एक गलत चीज़ होती है, अब यहाँ पे देखना क्या सीन होता है बस। अब ये जो तिलक भाई है ये भी भाई अपने सब्सक्राइबर भाई होते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है दोस्तों अगर सब्सक्राइबर की पेटी बनाई है ना तो भाई पक्का अपनी पेटी खुद की बनती ही बनती है।
अब भाई वहाँ पे इतनी खतरनाक पेटी बनी थी ना मेरी, तो मैं वो चीज़ आप लोगों को दिखा बिल्कुल भी नहीं सकता, क्योंकि भाई अपने सब्सक्राइबर भाई ने पनौती सी मार दी थी अपने को, तो वो चीज़ अपने साथ हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, उतर जाता हूँ सीधा जॉर्जोपुल के इधर, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से लूट करता हूँ। लेकिन उतने में ही ऊपर की साइड में मेरे को यहाँ पर ब्रिज के इधर एक बंदा स्पॉट होता है। तो इस बंदे को तो दोस्तों मैंने यहाँ पे खतरनाक डैमेज दे दिया था, तो इसी का फ़ायदा उठा के मैं यहाँ पे क्लोज इन कर देता हूँ, क्योंकि ये बंदा ऊपर हील वाले बंदे के ऊपर फायर ले रहा था। तो मैं इस बंदे को स्पॉट किया नहीं ढंग से, मतलब स्पॉट हुआ नहीं था नीचे की साइड से। मैं यहाँ पे टावर की साइड आया तो मेरे को ढंग का स्पॉट भी हुआ, लेकिन भाई मैंने बंदे को डैमेज भी दिया, लेकिन बंदा कवर में फिर से चले गया। अब मैं यहाँ पे क्लोज इन कर देता हूँ बंदे के इधर, और यहाँ पे आके भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम वेट करता हूँ। जब बंदा नीचे उतरेगा ना, जब ही बंदे को अपन पेलेंगे, और यहाँ पे बंदा नीचे उतर चुका है अभी, तो अब मैं यहाँ पे पूरा वेट करता हूँ। बंदा यहाँ से रोटेशन देगा बग्गी के इधर, जब भी अपन बंदे की पेटी बनाएंगे। अब होता भी ऐसा ही है, बंदा यहाँ से अभी अपनी रोटेशन देता है, और अपन भी 3x का गजब स्प्रे देके यहाँ पे भाई की पेटी बना देते हैं दोस्तों। अब मैं निकल पड़ता हूँ यहाँ पे भाई की बग्गी उठाने के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ से सर्कल में निकलना था। सर्कल आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका था और अपने 6 किल हो चुके थे। अभी तक मैं टॉप 10 आया नहीं था, तो आप समझ ही सकते हो दोस्तों, लॉबी अच्छी खासी आ रखी थी, और यहाँ पे अनजान गेमर भी आ रखे थे। भाई आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स आ रखे थे लॉबी में। अब मैं यहाँ पे आ गया था, तो यहाँ से बंदे की रोटेशन अपने को तोड़नी थी। अब मैं सामने की तरफ यहाँ पे बंदे स्पॉट करता हूँ, तो मेरे को स्पॉट होता है भाई गांधी। गांधी मतलब भाई असली वाला गांधी नहीं, गेम में मेरा एक बंदा सब्सक्राइबर भाई अपना फ्रेंड है खास क्लोज, तो वो स्पॉट हो चुका था। मैं यहाँ पे फायर लेता नहीं उसके ऊपर, लेकिन उस बंदे के ऊपर कोई और दूसरा बंदा फायर लेने लगता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना भाई की यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प करी जाए। अब मैं उस बंदे के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा फायर लेता हूँ, एक दो एमओ कनेक्ट होती है, लेकिन भाई यहाँ पे देखना गांधी भाई किल अपना निकाल लेंगे। अब मैं सोचता हूँ क्यों ना भाई थोड़ा सा गांधी को भी डैमेज दिया जाए, लेकिन गांधी कवर में चले जाते उतने में ही स्वैग भाई की यहाँ पे अनजान भाई पेटी बना देते हैं। तो अब की बार मेरे को यहाँ से जोन में रोटेशन देना था, जोन भी आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका था, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी हीलिंग फुल कर लेता हूँ, और उसके बाद में अब रोटेशन देंगे सर्कल में। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है आप लोग न्यू सीज़न में भाई रैंक पुश कर सकते हो, जितना हो सके भाई लास्ट तक सर्वाइव करने का पूरा ट्राई करो। टॉप 10 अगर आप स्टार्टिंग में आ जाते हो जब सीज़न का स्टार्टिंग रहेगा, तो आप लोगों को अच्छा खासा प्लस देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी सीज़न का एंडिंग है तो दोस्तों इतना अच्छा प्लस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप लोग अगर चिकन निकालते हो तो ही मतलब अच्छा खासा प्लस देखने के लिए मिलेगा आपको दोस्तों। अब यहाँ पे होता है ऐसा है कि सामने की साइड एक बंदा रहता है, और वो IQ अपना खतरनाक वाला यूज़ करता है। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे लगा वो बंदा नेट कर रहा है, लेकिन वो बंदा स्मोक कर देता है ताकि वो बंदा जोन में रोटेशन दे सके। अब यहाँ पे होता है ऐसा है कि भाई अनजान भाई गांधी की पेटी बना देते हैं, और सामने की साइड में यहाँ पे बंदे आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेट करता हूँ, और जैसे ही ग्रोजा वाला बंदा भाई ये बंदे को फिनिश करता है। अब मुझे पता था सर्कल ग्रोजा वाले बंदे के ऊपर है नहीं, स्क्वाड हाउस से उस बंदे को नीचे उतरना है, तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेट करता हूँ बंदे का। अब मैं सोचता हूँ जैसे ही बंदा यहाँ पे उतरेगा ना भाई नीचे की साइड में और जोन में रोटेशन देगा, वैसे बंदे की यहाँ पे पेटी बनाएंगे। और होता भी ऐसा ही है, बंदा यहाँ पे जोन में रोटेशन देता है, और मैं यहाँ पे इजी तरीके से बंदे की पेटी बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सोचता हूँ भाई अनजान ने तो पीछे से स्प्रे दिया, बंदा मेरे से 1v1 फाइट लेगा, लेकिन सामने की तरफ जाके अनजान भाई यहाँ पे टीम अप करने लग जाते, तो मैं भी यहाँ पे भाई सोचता हूँ क्यों ना टीम अप कर लिया जाए। रे बॉटल भाई क्या चाल, क्योंकि अनजान भाई का क्लोज कॉम्बैट अच्छा खासा है, तो अपनी पेटी बना सकते थे इजीली, लेकिन यहाँ पे भाई अपन टीम अप कर लेते भाई से, और बोलते हैं भाई चलो क्यों ना पेन फाइट कर ही जाए। अब पेन फाइट करते दोस्तों, यहाँ पे पेन फाइट में ज़्यादा जल्दी करता हूँ नहीं, और भाई मेरी यहाँ पे पेन फाइट में जल्दी पेटी बन जाती है। अब देख ही सकते हो अनजान भाई ने दो पेन छिटका दिए थे मेरे को। अब देखो यहाँ पे, अब पहला फटका पड़ा, अब यहाँ पे मैं वेट करता हूँ, जैसे ही अनजान भाई पुश करेंगे वैसे अपन फटका देंगे पेन का,
और होता भी ऐसा ही है, जैसी पुश करते वैसी भाई यहाँ पे पेन का फटका देके अपन इजीली चिकन निकाल लेते दोस्तों। और इस लोबी में जो अपने को प्लस हुआ था ना, वो था अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे प्लस होता है अपने को भाई 25 का, तो आप समझ ही सकते हो भाई क्या ही खतरनाक प्लस निकाला है अपन ने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।